सलमान और अक्षय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े दो बड़े सितारे हैं। इन दोनों सुपरस्टारों के बीच साल 2020 में भिड़ंत होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन दोनों सुपरस्टारों की फिल्मों का रिलीज हो पाना बेहद ही मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसे में दोस्तों सलमान खान और अक्षय कुमार की इस जंग में एक और बड़े सुपरस्टार की एंट्री हो चुकी है और ये बड़ा सुपरस्टार है वरुण धवन। बॉलीवुड में लॉकडाउन खुलते ही वो सारी फिल्में धड़ाधड़ रिलीज डेट ढूंढेगी, जिनका काम तो पूरा हो चुका है लेकिन थिएटर बंद होने के कारण वो अटकी पड़ी हैं। अब इस लिस्ट में नाम जुड़ चुका है वरुण धवन का भी। खबरों की माने तो वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर कुली नंबर वन दिवाली पर रिलीज होने जा रही है, लेकिन दिक्कत तो यह है कि दिवाली पर दो बड़ी फिल्में पहले ही अपनी नजर जमा चुकी हैं और ये दो बड़ी फिल्में हैं सलमान खान और अक्षय कुमार की। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अक्षय कुमार की शूर्वंशी और सलमान खान की राधे भी दिवाली पर ही रिलीज डेट लॉक करने का मूड बना चुकी है, और ऐसे में वरुण धवन की फिल्म का दिवाली पर रिलीज होना मतलब ट्रिपल क्लैश होना तय है। पहले वरुण धवन की फिल्म को 1 मई यानी मजदूर दिवस को रिलीज किया जाना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनकी ये फिल्म नहीं रिलीज हो पाई है। वरुण धवन की फिल्म कुली नंबर वन काफी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में वरुण धवन और सारा अली खान का काफी बेहतरीन तरीके से रोल लोगों के सामने पेश होगा। गोविंदा की फिल्म के रिमेक में अगर वरुण धवन नजर आ रहे तो जाहिर सी बात है इस फिल्म में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्मों की बात करें, अक्षय कुमार की फिल्म शूर्वंशी की बात करें तो ये फिल्म भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। फिल्म का निर्देशन किया है रोहित शेट्टी और फिल्म में एक लंबे समय के बाद अक्षय कुमार और कटरीना की जोड़ी बड़े पर्दे पर देखने को मिलने वाली है। इतने नहीं, रणवीर सिंह और अजय देवगन का कैमियो अपीयरेंस भी हमें फिल्म शूर्वंशी में देखने को मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर भाईजान सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बात करें तो ये 2016 की कोरियन फिल्म है, जिस फिल्म के हिंदी रिमेक में भाईजान सलमान खान नजर आने वाले हैं। फिल्म में सलमान खान के अलावा दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा जैसे बड़े कलाकार हमें फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। फिल्मों के रिलीज डेट न मिलने के कारण अब ये तीनों बड़े सितारे एक ही साथ दिवाली पर क्लैश करते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों इस खबर पर आपको क्या कहना है और इस महाक्लैश को लेकर आपकी क्या राय है, कॉमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए।